हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं खुमानी की, जिसे इंग्लिश में एप्रिकॉट कहा जाता है। और आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और प्रोसेस सेम ही है। आपने देखे होंगे मेरे पिछली वीडियोस। बट गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, अगर हमें किसी फ्रूट्स को उसका सीजन ख़त्म होने के बाद खाने का मन कर जाए तो बस गाइस, यही इस वीडियो में छुपा है। इसलिए कहता हूँ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, साइज में छोटा दिखने वाला ये फल न सिर्फ आपकी जीभ का स्वाद बदलता है, बल्कि कैंसर और मधुमेह जैसी घातक बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं खुमानी के कुछ फ़ायदों के बारे में। नंबर एक, पाचन के लिए अच्छा है। ज़्यादातर शारीरिक बीमारियां पेट के बिगड़ने से ही शुरू होती हैं। इस स्थिति में खुमानी आपकी मदद कर सकता है। दरअसल खुमानी फाइबर युक्त होती है और फाइबर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। नंबर दो, आँखों की दृष्टि में सुधार। खुमानी में बी कैरोटीन और विटामिन सी जैसे प्रमुख तत्व होते हैं, जो आँखों के लिए ज़रूरी माने गए हैं। नंबर तीन, मधुमेह। सूखी खुमानी खाने के कई शारीरिक फायदे हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से मिठास होती है, जिससे मधुमेह से बचा जा सकता है।
दोस्तों आप चाहें तो किसी साफ कपड़े पर रखकर भी इसे सुखा सकते हैं। करीब 2 से 3 दिन तक इसे अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। दोस्तों इसे हर 10 दिन में एक बार जरूर धूप में सुखाएं, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अभी के लिए इतने गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।